आरजे शो में आप हैं अशोक हमराही के साथ। जानी मानी अभिनेत्री और नृत्यांगना, गायिका, नृत्य प्रशिक्षक, बहुत सारी भूमिकाएं जो निभा चुकी हैं, निभा रही हैं, वो हैं वैजयंती मालावाली। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं कुछ कहते हुए भी। वैजयंती माला ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा था तमिल फिल्म से। 1949 की बात है वजह का ये फिल्म आई थी और इस फिल्म में वो मोहना की भूमिका में थी। इसके बाद उन्होंने तेलुगु फिल्म की 1950 में और फिर इसके बाद एक और तमिल फिल्म आई, लेकिन अब आना था उन्हें हिंदी फिल्म जगत में। तमिल तेलुगु के बाद उन्होंने हिंदी फिल्म की और जो पहली हिंदी फिल्म आई उसमें उन्होंने एक तरह से अपनी जगह तो बना ही ली थी, यानी हिंदी फिल्म जगत को बता दिया था कि वो अब आ गई हैं फिल्मी दुनिया में। 1951 की लता के किरदार में वैजयंती माला नजर आई और वो फिल्म थी बहार। उनका ये गाना शमशाद बेगम का गाया हुआ बहुत मशहूर हुआ। बहार फिल्म में उनके साथ उस समय के जाने माने कलाकार अभिनेता करण दीवान थे और उस फिल्म के गाने भी काफी मशहूर हुए थे। सचिन देव बर्मन का संगीत था, राजेंद्र कृष्ण ने उस फिल्म के गाने लिखे थे और जो ज्यादातर उनके ऊपर फिल्माए गए वो गाने शमशाद बेगम ने ही गाए थे। इसके अलावा किशोर कुमार का एक बड़ा ही खूबसूरत सा गाना कसूर आपका हुजूर आपका सुना होगा आपने, करण दीवान और वैजयंती माला के साथ ये गीत भी बहुत मशहूर हुआ। हुजूर आपका हुजूर आपका मेरा नाम लीजिए न मेरे बाप का। हुजूर बापका हुजूर आपका मेरा नाम लीजिए न मेरे बाप का। तो बात हुई वो पहली हिंदी फिल्म बहार की जिसमें उन्होंने करण दीवान के साथ काम किया। इसके बाद कई फिल्में आई किन लड़की जैसी फिल्म या संगम भी उस समय की एक फिल्म थी, लेकिन उनको जो खास पहचान मिली वो मिली 1954 में, यानी 2-3 साल बीते। लेकिन उसके बाद जब 1954 में एक फिल्म आई प्रदीप कुमार के साथ नागिन, इस फिल्म से वैजयंती माला पूरे हिंदी फिल्म जगत पर ही नहीं बल्कि दर्शकों के दिलों पर भी छा गई। हर किसी के मन में उन्होंने अपनी जगह बना ली। मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया पड़ा। नागिन फिल्म से उन्हें बहुत बहुत शोहरत मिली और इसके बाद हर एक की नजर में वो आ गई और सारे जो उस समय के प्रोड्यूसर थे डायरेक्टर थे वो कायल हो गए थे। एक तो नृत्य में महारत थी ही उन्हें, इसके अलावा वो खूबसूरत भी रही उस समय भी अभी भी हैं और अभिनय तो उनका बहुत खूब था। और यही सब देखते हुए जब देवदास फिल्म बनाने की बारी आई बिमल राय ने 1955 में, तो चंद्रमुखी के किरदार के लिए उन्होंने चुना वैजयंती माला को। इस फिल्म में दिलीप कुमार उनके साथ थे, सुचित्रा सेन थी पारो, लेकिन चंद्रमुखी का जो किरदार था वो सच में दिल को छू लेने वाला किरदार था। बिमल राय की इस देवदास में वैजयंती माला ने जो किरदार निभाया उसके लिए उन्हें बहुत सारी सराहना भी मिली और इसके लिए उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। हालांकि सपोर्टिंग एक्ट्रेस के नाम से वो अवार्ड था, लेकिन वो हमेशा यही मानती रही कि जो चंद्रमुखी का किरदार है वो सपोर्टिंग नहीं रहा बल्कि वो किरदार भी अहम किरदार था पारो की ही तरह। आइए अब इसी फिल्म का एक गाना सुनते हैं। तेरी मर्जी, ओ, आगे तेरी मर्जी,
अब इसके बाद उनको फिल्में मिलने लगी थी। 1955 में देवदास आई और उसी साल और भी कई फिल्में आई, उनमें से सितारा फिल्म भी बहुत मशहूर हुई, पहली झलक, इसमें वो बीना और देवी इन दो भूमिकाओं में थी। इसके अलावा जश्न फिल्म भी बहुत मशहूर हुई थी और इसी साल उस समय के जाने माने कलाकार सुरेश के साथ यास्मीन फिल्म भी आई थी। यास्मीन फिल्म का एक गाना बहुत अच्छा है, आइए वो सुनते हुए आगे बढ़े। खूनी तुम आ जाओ इस दिल में रहा करना, तारों में हंसा करना, फूलों में खिला करना। यास्मीन फिल्म का संगीत सी रामचंद्र ने तैयार किया था, जानिसार अख्तर ने उसके गाने लिखे थे। इसके बाद एक और फिल्म आई, हालांकि इस बीच सितारा फिल्म की उन्होंने और इसी साल की एक फिल्म का हमने और जिक्र किया था जिसमें वो बीना और देवी के किरदार में थीं, और ये फिल्म उन्होंने की थी किशोर कुमार के साथ। किशोर कुमार की फिल्म पहली झलक, करीब 10-12 गाने थे इस फिल्म में और इस फिल्म में भी सी रामचंद्र का संगीत था, राजेंद्र कृष्ण ने गाने लिखे थे। बहुत ही मशहूर रही ये फिल्म और इसमें नृत्य कौशल भी उनका देखने को मिला। तो आइए इसी फिल्म का एक गाना सुने, देखिए इस गाने में भी एक अलग रंग नजर आएगा और इन गानों को सुनते हुए आप समझ सकते हैं कि सचमुच अभिनेत्री वैजयंती माला किस तरह की कलाकार रही होंगी और इसीलिए तो आज भी वो हर किसी की चहेती अभिनेत्री है। छप्पन में भी करीब 7 फिल्में आई और उनमें से कुछ खास फिल्में, ताज फिल्म आई थी उसमें वो प्रिंसेस के रूप में थी, रूपनगर की रानी बनी थी। इसके अलावा एक फिल्म पटरानी भी आई थी, इसमें भी वो प्रिंसेस थी और इसमें मृदंला ये उनका नाम था। न्यू दिल्ली ये फिल्म भी बहुत मशहूर हुई थी और इसमें जानकी सुब्रमण्यम की भूमिका में थी वो, और इसी साल की एक देवता फिल्म भी बहुत मशहूर हुई थी। और इसके बाद अगला साल जब आया तो एक से बढ़कर एक उस साल की फिल्में रही और हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस साल की लगभग सारी की सारी फिल्में सुपरहिट रही और उनमें से अगर हम फिल्मों के नाम गिनाएं तो वो फिल्में थी आशा, एक झलक, कठपुतली और दिलीप कुमार के साथ नया दौर। मांग के साथ तुम्हारा, और इसी साल की कठपुतली वैजयंती माला और बलराज साहनी की फिल्म, अमीर चक्रवर्ती और नितिन बोस ने इसे डायरेक्ट की थी। अगर आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए जिससे हमारा आपका साथ हमेशा बना रहे। धन्यवाद।